पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में आयोजित ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप में पलामू की टीम ने प्रथम पुरस्कार जीतकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। झारखंड सोतुकान कराटे एसोसिएशन और क्रीड़ा भारती पलामू के द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में पलामू, रांची, लोहरदगा, गढ़वा, पटना, बक्सर, धनबाद समेत कई शहरों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में पलामू ने 55 गोल्ड, 40 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले स्थान पर रहते हुए बेस्ट टीम कप भी अपने नाम किया। वहीं लोहरदगा ने 38 गोल्ड, 18 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल के साथ द्वितीय उपविजेता कप जीता है, जबकि बक्सर ने 22 गोल्ड, 15 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तृतीय बेस्ट प्लेयर कप जीता है। बेस्ट ईस्ट इंडिया फाइट अवार्ड द कराटे एकेडमी के अविनाश कुमार को मिला। वहीं बालिका वर्ग में मरियम प्रवीण को यह अवार्ड मिला। क्रीड़ा भारती पलामू के अध्यक्ष सोनू नामधारी ने इस चैंपियनशिप में बाहर से आए सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए उन्हें निराश होने के बजाय कठिन परिश्रम कर अगली बार बेस्ट प्लेयर बनने का सुझाव दिया। वहीं क्रीड़ा भारती पलामू के प्रमंडल विभाग प्रमुख श्याम बाबू ने खिलाड़ियों को जहां बधाई दी, वहीं शानदार आयोजन के लिए सेंसई सुमित कुमार के कार्यों की भी सराहना की। मौके पर संरक्षक अविनाश वर्मा ने बताया कि जिन खेलों को हम टीवी में देखते थे और अखबार के माध्यम से पढ़ते थे उसे अब लाइव देख पा रहे हैं, ये पलामू के लिए गौरव की बात है। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें बधाई दी।